दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर भगवान शिव का निवास स्थान है। ये एक ऐसा पर्वत है जिसे सिर्फ साधारण पर्वत ही नहीं बल्कि चमत्कारी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी महिमा अनुपम है। कैलाश पर्वत को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में ऐसी कई जगह है जहां पर भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पर्वत जो खुद में एक चमत्कार है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कैलाश पर्वत के शिखर को अब तक कोई फतह नहीं कर पाया, यानी इस पर कोई चढ़ नहीं पाया। इस पर्वत का केंद्र भी एक रहस्य से कम नहीं है, जिसकी महिमा अपरंपार है। ये पर्वत स्थित है तिब्बत में और यहाँ पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो हजारों साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचा था। इस वीडियो में हम आपको इस चमत्कारी पर्वत कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एक लौते इंसान की जानकारी के साथ साथ कैलाश पर्वत के कुछ अजब रहस्य से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 22 किलोमीटर ही छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। इस लिस्ट में आपको कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने वाले किसी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कैलाश पर्वत पर कहते हैं एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है, क्योंकि ये पर्वत अपनी महिमा कब और कैसे दिखाता है ये किसी को पता नहीं होता है। इस पर्वत का काफी महत्व है। ऐसे तो लिस्ट और टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे कई नाम मिलेंगे जिसने ये कारनामा किया हो, इसी कारण इसे अजेय पर्वत कहा जाता है, यानी कि जिसे जीता ना जा सके। लेकिन जब आप तिब्बत के इतिहास को खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1000 साल पहले तिब्बत के एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा करके दिखाया था। जयसद मिला रेपा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने गहन साधना करके ज्ञान हासिल किया था और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण थे। कहते हैं कि परमा संत मिलारेपा के गुरु थे, लेकिन बाद में वो मिलारेपा के शिष्य बन गए। जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की तो उनके साथ एक और आध्यात्मिक गुरु ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन कैलाश पर्वत के लिए काफी ऊपर चढ़ने के बाद उस गुरु ने सूर्य की तीव्र और अजब गजब आभास का सामना किया। तब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां तप भी किया था। कहते हैं मिलारेपा कुछ ही क्षणों में कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गए थे। इसके बाद वो विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि परालौकिक ज्ञान रखने वाले शख्स कैलाश पर्वत पर बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है, जो इस आयाम से भी बाहर देख सकता है। पूरे कलयुग में सिर्फ यही एक वाक्या है जब किसी ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ हो। अगर इतिहास के अंदर जाएं तो 1926 को ह्यूजर्ड लैट सभी उपकरणों के साथ इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब मौसम, दिशा भ्रम और समय की रफ्तार बदल ली, जैसे विज्ञान के समझ में ना आने के कारणों से इस पर चढ़ा नहीं जा पाया। लेकिन इसके बाद कई विश्व विख्यात पर्वतारोही इस पर चढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस पर चढ़ा नहीं जा सका। हर कोई अपने हट के कारण यहां आया तो, लेकिन कैलाश पर्वत की शक्ति के आगे नतमस्तक होकर रह गया। हर पर्वतारोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा। इस पर्वत पर पैर रखते ही उसकी रफ्तार बदल जाती है, मौसम की रुकावट आने लगती है, हाथ और पैरों के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। दिशा भ्रम और कंपस का काम ना करना हर किसी को भटका देता है। मौसम की भविष्यवाणी ना कर पाना इसे एक अजय अमर पर्वत बना देता है। वैज्ञानिक इसके केंद्र से आ रहे रेडियो एक्टिविटी का पता अब तक नहीं लगा पाए हैं। आखिर वो क्या रहस्य है जो इस पर्वत के पीछे हर किसी को चढ़ने से रोकता है? आखिर कैसे मिलारेपा को वो ज्ञान जिससे वो इस विशाल कैलाश पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंच गए? महादेव को आदि योगी कहा जाता है, यानी उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग साधना को सिखाया। वही ध्यान का ज्ञान मिलारेपा ने भी पाया। इसी ज्ञान से इस पर्वत पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिस पर आधुनिक तकनीक से पहुंचा नहीं जा सकता। दोस्तों, आप शायद कैलाश पर्वत पर स्थित कई स्थानों के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे यम द्वार जहां कोई नहीं रुक सकता, राक्षस ताल
और ऐसी ही कई रहस्यमयी जगह हैं इस कैलाश पर्वत पर अपना पैर पसारे हुए, जिसका ज्ञान वैज्ञानिकों को भी नहीं हो पाया है। इस अजूबे पर्वत की कहानी का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया है। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसा साधु है जो सच में चढ़ चुका है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।